हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कप सूजी से तैयार होने वाला बहुत ही बढ़िया और हेल्दी नाश्ता बताऊंगी, जो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या फिर बच्चों का टिफिन हो, ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो फिर चलिए इसको बनाने की विधि बताते हैं। सबसे पहले मैंने ये वेजिटेबल धोकर इनको बारीक बारीक काट के रख लीजिए। उसके बाद मैंने ये बर्तन में एक कप सूजी, जो एक कटोरी के लगभग है, वो डाला। फिर सारी ये वेजिटेबल्स डाल दीजिए। इसको आप बारीक किस भी सकते हैं, मैंने इनको बारीक बारीक चॉप किया है। इसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी, जो आपके पास अवेलेबल हो। इन सब वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। इसमें मैंने एक कटोरी दही मिक्स किया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स, पूरी वेजिटेबल्स को ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। इसमें मैंने आधी चम्मच मिर्ची डाली है, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। इसमें आधा चम्मच मैंने खाना सोडा, आधी चम्मच काली मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैंने एक कटोरी के लगभग पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाला है। अब ये बैटर को आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे बाद मैंने इसमें तड़के के लिए एक चम्मच तेल में थोड़ा सा राई और तड़का लगा के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इस बैटर को मैंने, जो पहले से मैंने तेल लगाकर गैस पे रख दिया था धीमी आंच पर, अब इस बैटर को उसमें फिल कर दीजिए। पूरा फिल करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। 10 मिनट बाद ये देखिए कितने फूले फूले फ्लफी नज़र आ रहे हैं। इन पर मैंने थोड़ा थोड़ा तेल लगाया है। ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन नाश्ता है, जो बहुत हल्के फुल्के और ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इनको मैंने पूरा तेल लगाकर पलट कर रख दिया है। इन सबको मैंने धीरे धीरे बढ़िया पलट पलट के रखने पर ये देखिए नीचे से कितने बढ़िया सीख गए हैं। दिखने में बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। इन सबको मैंने पूरा पलटने के बाद एक बार फिर इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। दस मिनट बाद देखिए क्या कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। जो बच्चे वेजिटेबल खाने में नखरे करते हैं, उनके लिए ये डिश बहुत ही लाजवाब डिश है। इसको आप हरी चटनी, सॉस या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी खाइए, दोस्तों को खिलाइए। ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने यम्मी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फूली फूली रेसिपी बनी है।
ये देखिए, आप भी खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक